नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयन शिक्षक अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। डिप्टी सीएम के आवास का घेराव कर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 69,000 शिक्षक भर्ती की नई सूची बनाकर काउंसलिंग शेड्यूल जारी किए जाने की मांग की है। मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों को हटाए जाने का प्रयास किया गया तो शिक्षक अभ्यर्थियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। हमारी मांगे हैं योगी जी से, हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द दें। बस सरकार हमारी है, हाथ जोड़ सरबत निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे और हमें अपने विद्यालय पहुंचाएं। योगी गुप्ता देवरिया से देखिए किस तरह जबरन है अधिकारी, हम लोग को मार रहे हैं, पीटे, यहाँ तक लाठी भी पीटे। जिन अधिकारियों को जेल में होना चाहिए उनको कुछ नहीं कर रहे। हमारा नियुक्ति पत्र एक हफ्ता के अंदर जारी होना चाहिए। हमारी ये मांगे हैं कि सरकार जल्दी से हमारी नियुक्ति दे, पहले से ही हम 4 साल लेट हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से हमें हमारे विद्यालयों में पहुँचाए। हम धरना करते रहते हैं, अब हम सीएम आवास पर भी धरना करेंगे। इसके बाद पुलिस पीएसी बल द्वारा सभी को खींच खींच कर बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया गया। इसी दौरान मोहम्मद इरशाद नाम के एक अभ्यर्थी को अटैक आया, जिससे हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप भी लगाया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए आरक्षित वर्ग के 6800 सूची के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। 12 दिनों से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कल हंगामे के बाद देर शाम 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से वार्ता हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही मामले के निस्तारण की बात कही गई है। भैया हम लोग कोई अपराधी तो है नहीं जो हम लोगों को उठाया जाए, पकड़ के घसीटा जाए। हम लोग को न्याय दे दीजिए सभी लोग, हम लोग खुद चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ धरना करने आने का। आप पुलिस वाले सभी यही कहते हैं कि आप लोग जो है हट जाओ, धरना कैंसिल करो, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे तो हमारी जिम्मेदारी पुलिस होती किस लिए है? सुरक्षा के लिए होती है, न्याय के लिए होती है। हमें न्याय दे दो, हम क्यों खुद चले जाएंगे? हमें यहाँ बैठ के धरना देने का चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। हमारा सिर्फ नियुक्ति मांगे सर, हमको नियुक्ति मिल जाए चले जाएंगे सर। सड़कों पर हम लोग को शौक लगा रहता है सर कि सड़कों को धरना दे। आज 5 साल से हम लोग सड़क पे सर, हम लोग रोड पे हैं सर, और मंत्री हमारे एसी में बैठे हुए हैं। हमारे बेसिक के जो अधिकारी है सर, हम लोग को लिस्ट जारी नहीं करना चाहते सर, शेड्यूल नहीं जारी करना चाहते, और बड़े पैमाने पर सर आरक्षण घोटाला किए सर। ये चाहते हैं ना, ये नहीं चाहते कि हम लोग को नियुक्ति मिले और इनको जो कर्म करे है सर इन लोग का उजागर हो, और इन लोग तो इसलिए हम लोग सिर्फ न्याय चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते सर। हमें आवास पे आए, हम लोगों को लाठी भिजवाई जा रही है। हम लोग नौकरी मांग रहे 4 साल से, 800 की लिस्ट निकाली और आज तक नौकरी नहीं मिली हम लोगों को। और सुप्रीम हाई कोर्ट डबल बेंच ने भी आदेश दे दिया कि इनकी लिस्ट दोबारा से बनाई जाए पूरी, वो 27% पूरा लागू किया जाए, उसमें आरक्षण घोटाला हुआ बहुत तगड़ा, सीएम योगी ने करवाया। मेरी मांग है कि आरक्षण 27% पूरा लागू किया जाए और लिस्ट दोबारा से पूरी बनाई जाए, जो हाई कोर्ट डबल बेंच ने आदेश दिया है वो जल्दी से जल्दी हमारी लिस्ट जारी की जाए। उत्तर प्रदेश कोई भी नेता पक्ष का चाहे विपक्ष का किसी को नहीं, सबको पता है कि हमारा प्रदर्शन क्या है और हमारी मांगे क्या है। जब माननीय न्यायालय ने हमें कह दिया कि इन बच्चों की लिस्ट जारी की जाए, तो इतने लेट लतीफ़ इतने हिलावाली क्यों? क्योंकि हम पिछड़े दलित हैं, इसलिए क्या हम इस उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या हम इस बाबा की जनता नहीं है? क्या हम उनके बच्चे नहीं है? क्या हमारा
हमारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है कि हम नहीं चाहते कि बाबा हमारे साथ न्याय करें और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को समझें और हम बच्चों को हमारे स्कूल में हमारे विद्यालय में पहुँचाएँ और माननीय कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हमें हमारे विद्यालय तक पहुँचाएँ। मेरी आपके चैनल से यही उम्मीद है कि शायद माननीय योगी जी हमारी बात सुनेंगे और हम बच्चों को पूरा न्याय देंगे। हमारी मांगे सर ये इतनी है कि हम लोगों की जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है उसमें अभी लिस्ट को रिवाइज करें। सर ये बताइए 3 घंटे का जो समय होता है कंप्यूटर के ज़माने में ये 30 दिन लगा की बात करते हैं, 3 महीने की बात करते हैं, ये कैसा न्याय है? जब जरूरत होती है तो इनका 1-5 मिनट में इनका काम हो जाता है लेकिन ये लिस्ट रिवाइज नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को दर दर OBC SC को भटकने के लिए छोड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के हम लोग आए हैं, ये हमारे समाज के नेता हैं, ये हमको न्याय देंगे लेकिन देख लीजिए आप कैसा ये न्याय है इनका। सर हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे कि आरक्षण घोटाला देश व्यापक है, किसी से छूटा नहीं है। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बाद डबल बेंच ने भी मान लिया आरक्षण घोटाला, स्वयं योगी जी ने मान लिया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने मान लिया। फिर अब देर क्यों की जा रही है? इसलिए कि कोई विशेष वर्ग सुप्रीम कोर्ट जाए, इस मैटर को और उलझा दे। तो हम लोग इस उम्मीद से यहाँ पे आए हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय हो। जो हमारे पिछले 5 साल पहले हमें नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं मिली, हम लोग ऐसे सड़कों पर भटक रहे हैं। हमारी गलती क्या है? पिछड़े दलित समाज से आते, ये हमारी गलती है? हमारा हक अधिकार किसी विशेष वर्ग को दे दिया गया और ये सारी गलती अधिकारियों की। तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम पिछड़े दलित समाज के साथ जल्द से जल्द न्याय हो, हमें विद्यालय में पहुंचाया जाए, हम नौनिहालों का भविष्य संवारें, उनके साथ अपना या अपने घर परिवार का भी भविष्य संवारें। हमारी कोई गलती नहीं है सर, हम लोग भी पढ़ लिख के यहाँ तक आए हैं। हमारा डबल बेंच का ऑर्डर आए आज लगभग 20 दिन हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक उस ऑर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने बेस शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तत्काल इन लोगों की नई चयनसूची जारी की जाए लेकिन बेस शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी नई चयनसूची जारी नहीं की गई। हमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक दूसरा धड़ा जो इस भर्ती को फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जिससे हमारी नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा फंस जाएगी। हम सभी अभ्यर्थियों की मांग है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, बेस शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, हम लोगों की संशोधित चयन सूची शीघ्र जारी की जाए जिससे हम लोग पिछले 4 साल से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हम लोगों को न्याय मिले। मुख्यमंत्री हो जिसने जो ट्वीट करके घोटाला स्वीकार किया कि हाँ OBC SC बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी हम भर्ती करेंगे, बाकायदा 2021 में सूची निकाली, कहा कि इन बच्चों के हम नियुक्ति पत्र देंगे। आज 2 साल हो गया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि घोटाला हुआ है। और नियुक्ति पत्र नहीं देने का सिर्फ 2 वजह है। पहली वजह यह है कि हम OBC SC समाज से आते हैं जिसको ये लोग मुख्य धारा में आना देना नहीं चाहते हैं, और दूसरी वजह यह है कि जिस दिन ये सूची आ गई 15,000 सीटों का घोटाला हुआ है, ये सारे जेल जाएंगे। क्यों? आपने सुना होगा हरियाणा में चौटाला जी ने सिर्फ 3200 सीटों का आरक्षण घोटाला दिया, अभी जेल काट के आए हैं, इस वजह से ये सूची नहीं आ रही है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रदेश को चला रहे हैं उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस घोटाला को स्वीकार करना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ में जिन मंत्रियों ने जिन अधिकारियों ने ये घोटाला किया है उस पर बुलडोजर चलाओ। क्यों बुलडोजर केवल यादव पर, मुसलमान पर और विपक्षी पर चलता है, अपने अधिकारी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति से। जो बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं 4 साल से, जिनको सूची में अंदर होना चाहिए उसको सड़क पे घुमा रहे हो, और जिसको बाहर होना चाहिए वो 4 साल से मलाई काट रहे हैं, 30 लाख रुपया उठाया है और 4 साल की सीनियरिटी उठा के रखा है। 50 करोड़ का घाटा हुआ है OBC SC को, 50 करोड़ का 4 साल में। 19,000 बच्चों को नियुक्ति से दूर किया गया OBC पिछड़ों के घरों में। केशव प्रसाद मौर्य जी सुन लीजिए, 50 करोड़ का घाटा योगी सरकार ने किया है, या तो दलित पिछड़ों के घरों में 50 करोड़ का घाटा हुआ है। 4 साल से अगर नियुक्ति मिलती तो 19,000 बच्चों के घरों में 50 करोड़ रुपये मिलता और दलित पिछड़े कहाँ जाते? लेकिन इस सरकार ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन हम लड़ने वाली कौम है, हम खेत वाली कौम है, किसानी वाली कौम है, हम मानेंगे नहीं, हम नियुक्ति पत्र लेकर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। लखनऊ से CNews संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अभ्यर्थी काफी समय से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से कई बार आश्वासन तो मिला लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं की गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आश्वासन कितने समय में काम करता है या फिर एक बार फिर से इन अभ्यर्थियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए CNews भारत।